नमस्कार, आप देख रहे राष्ट्र समाचार। भारत सरकार की आज़ादी का अमृत महोत्सव पहल के मौके पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले अग्रणी संस्थान आकाश बायजूस ने एजुकेशन फॉर ऑल के माध्यम से उच्च शिक्षा के लिए निजी कोचिंग में छात्राओं के सशक्तिकरण एवं समावेशन के लिए बड़ी पहल का ऐलान किया है। इसके तहत वंचित परिवारों के 7वीं से 12वीं के कक्षा के करीब 2000 छात्रों, विशेष रूप से लड़कियों को नीट एवं जेईई की निशुल्क कोचिंग एवं स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में मुख्य कार्यक्रम के साथ साथ देश में 45 स्थानों पर एक साथ इस पहल की लॉन्चिंग की गई। दिल्ली में मुख्य कार्यक्रम में आकाश बायजूस के चेयरमैन श्री जेसी चौधरी, मैनेजिंग डायरेक्टर श्री आकाश चौधरी और सीईओ श्री अभिषेक महेश्वरी व कंपनी के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आकाश बायजूस के पूर्व छात्र भी उपस्थित रहे, जो ANTHE के माध्यम से संस्था से जुड़े थे। पूर्व छात्रों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए ट्रॉफी एवं बुके देकर सम्मानित भी किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत चयनित छात्र आकाश बायजूस ने के नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम 2022 में हिस्सा लेंगे। यह संस्था की फ्लैगशिप स्कॉलरशिप परीक्षा है, जो देश भर में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से 5 से 13 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। टॉप 2000 छात्रों को नीट एवं IIT JEE के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय कोचिंग प्रोग्राम में शुमार आकाश बायजूस की निशुल्क कोचिंग का मौका मिलेगा। लाभार्थी छात्रों की पहचान के लिए आकाश कुछ चुनिंदा NGO के साथ साझेदारी करेगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर तबके के छात्रों, परिवार में इकलौती लड़की और सिंगल पेरेंट वाले बच्चों को नॉमिनेट करेंगे। पूरे भारत में आकाश बायजूस के करीब 285 से ज़्यादा सेंटर हैं और यह देश के किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की सर्वाधिक शाखाएं हैं। हर सेंटर पर औसतन 9 क्लासेज होती है। इसके बारे में बताइए, क्या है? आज हमने ANTHE 2022 का लॉन्च किया है। ये एक एग्ज़ाम है जो हम पिछले 12 साल से कर रहे हैं। ये 13वां साल है जब हम एग्ज़ाम को करेंगे। इस एग्ज़ाम के पीछे मकसद ये है कि जो बच्चे छोटे छोटे शहरों में हैं, कहीं दूर शहरों में हैं, उनको हम एक अपॉर्चुनिटी दें ताकि वो एग्ज़ाम को लिखें और एक अच्छी स्कॉलरशिप लें, ताकि उनके ऊपर या उनके पेरेंट्स के ऊपर या फैमिली के ऊपर किसी तरह का फाइनेंशियल बर्डन ना आए और वो जो अपनी मेडिकल और IIT में क्वालिफाई करने की जो उनकी ड्रीम है उसको वो अच्छे से पा पाए। तो इस बार हमने ANTHE में जैसा आपने बताया कि हम हमेशा स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए एग्ज़ाम करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऑल ओवर पूरे देश से ये एग्ज़ाम देते हैं। इस साल हम क्योंकि अब हम 300 जगह हमारे सेंटर्स प्रेजेंट हैं, हम लोग काफ़ी ग्रोथ हमने की है पिछले 2 सालों में, तो हम लोग इसको और ज़्यादा बड़ा फोरम हमारे लिए बन गया है ANTHE। हमने पिछले साल 12.5 लाख बच्चों ने ANTHE के एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर किया, 8 लाख से ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। तो इस बार हम और भी नीचे ग्रास रूट लेवल तक ये एग्ज़ाम पहुंचाना चाहते हैं, छोटे शहरों में उन लोगों के पास जिनके पास शायद ये अभी साधन ना हो कि वो एग्ज़ाम, या उनके पास ये अवेयरनेस भी नहीं हो कि इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं। तो हम करीब 120 NGOs के साथ काम कर रहे हैं ताकि वो लोग इस तरीके के प्रतिभावान छात्रों को हमारे लिए आइडेंटिफाई कर सकें। पर्टिकुलरली जैसा आपने पूछा कि जो गर्ल चाइल्ड है बिलो पावर्टी लाइन के जो पेरेंट्स हैं, सिंगल मदर्स हैं जो कि बच्चों को रेज कर रही हैं गर्ल चाइल्ड्स को, तो उनके लिए हम 2000 अलग से हमने स्लॉट्स रखे हैं ताकि हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें और फिर उनको बाकी सारे बच्चों के साथ पढ़ा सकें। इस एग्ज़ाम के थ्रू हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे। 120 NGO हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बायजू के साथ पहले ही काम कर रहे हैं, वो जो हमें इस लेवल पर लोगों को आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगे, बच्चियों को आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगे। आप NGO के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और देश में आकाश इंस्टीट्यूट कई सारे शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं,
सरकार के तरफ से शिक्षा पद्धति में किसी तरह की बदलाव की जरूरत आपको लगती है? देखिए, सरकार अपनी तरफ से सबसे बड़ा काम सरकार का है कि वो जो उच्च शिक्षा के इंस्टीट्यूट्स हैं वो बढ़ाते रहे, और हमने देखा है कि पिछले कई सालों में काफ़ी ज़्यादा उच्च शिक्षा के इंस्टीट्यूट में बढ़ोतरी हुई है। नंबर ऑफ़ IITs जो 20 साल पहले सिर्फ 5 थे, अब कई सारे IITs खुल गए हैं। एम्स एक होता था हिंदुस्तान में, अब कई सारे एम्स खुल गए हैं कई कई शहरों में। तो आई थिंक सरकार अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन ये हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, ये आपको भी मालूम है, हमारी 140 करोड़ की आबादी है, यहाँ महत्वाकांक्षा बहुत है छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गाँव में। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बाय नेचर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सरकार का काम है कि वो सीटें बढ़ाती रहे, हमारा काम है कि हम बच्चों को आइडेंटिफाई करके उनको प्रेरित करते रहें, उनको उनकी मदद करते रहें ताकि वो इन इंस्टीट्यूट में जा सकें।